मेरा नाम रजिया बानो है। मैं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी और राष्ट्रीय लेवल की कुश्ती खिलाड़ी हूँ। मैं एक मुसलमान बेटी होने के साथ साथ मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, क्योंकि खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी हर धर्म से निकलते हैं। भाई बिलाल को मैं 2017 से जानती हूँ, जब मैं ओखला में रहती थी। यार पीछे को जा। तो इन्होंने जहाँ खून बहाने की जरूरत पड़ी तो खून बहाया पब्लिक के लिए, जनता के लिए हमेशा हाजिर रहे। ये हमारे बीच में अंजना उस्मानी साहब आ गए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार मेरी माताओं बहनों, आप सब इस देश की शक्ति हो। आज आपके बीच में बहन सना फातिमा एमसीडी के चुनाव को लेकर आप सबके बीच में आई हैं, तो मेरी आप सबसे अपील है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उनको भारी बहुमत से जिताएं, ताकि आपके क्षेत्र में विकास हो सके। मुझे नहीं पता आज से पहले शहरपुर की जो आवाम है उसने किसको पुकारा और किसको वोट करी। मुझे इतना पता है यदि आप मेरे बड़े भाई बिलाल को इलाके जयपुर से जिताते हैं तो ये आपके लिए वो कर दिखा देंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। अल्फाज जितना कहूंगी उतने कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों के साथ साथ हर तबके के आदमी की मदद की है। आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं, जो भाई बिलाल की तरफ से और बहन सना फातिमा की तरफ से है। अगर ये एमसीडी में आप इन्हें जिताते हैं तो भाई बिलाल, जो गरीब बाप अपनी बेटी को दहेज देने के काबिल नहीं है, उसको भाई बिलाल एक सिलाई मशीन देंगे उस बेटी के लिए। और इस क्षेत्र में 2 सिलाई सेंटर खोले जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जो बेटियों के सम्मान के लिए चलेगा। सिलाई मशीन फ्री बांटी जाएंगी उन बेटियों के लिए जिनके बाप को दहेज देने के काबिल नहीं है, कोई रिक्शा चला रहा है, बीपीएल परिवार से है। तो मेरे बाप भाइयों, देर किस बात की है, हाथ के तौर पर बटन दबाने हैं आपको, एक साथ होकर एकजुट होकर इस केजरीवाल को दिखाना है। इसने हमसे क्या वादा किया था जब ये आया था दिल्ली में, जब ये आया था तो क्या वादा किया था कि मैं अपने गरीब भाइयों के साथ हूँ। आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये हमारे साथ है? हमारा ना जवाब दीजिए मेरी बहनों, है ये हमारे साथ? क्या केजरीवाल ने हमारी जो ये कहता था इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल कम किया इन्होंने, मेरे बताओ बहनों बताओ, इसके 2017 के बाद हमारे बिल कम किए? बताइए, आप सब बिल भरते हैं, बताइए, नहीं किए ना? क्योंकि ये भी मोदी की तरह एक चुपलपा हो चुका है। ठीक है, मोदी जब 2014 में आए थे तो क्या बोल रहे थे कि मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे मार डालो, मेरे किसान मजदूर भाइयों पर अत्याचार मत करो। उस वक्त सिलेंडर की कीमत सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए थी और आज 1100 रुपए कर दी गई है। तो महंगाई और बेरोजगारी से हमारा पूरा देश ग्रस्त हो चुका है। ऐसा भगा दो इन दोनों पार्टियों को देश में से निकाल के, एमसीडी में से निकाल के, विधानसभा में से निकाल कर, कि जब ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे ये कुछ नहीं लगते।
बार तो है नहीं, क्योंकि मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बाद आज बेरोजगारी का शिकार हूँ। हमारे हरियाणा में खट्टर की खटारा सरकार ने जो छोटे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा चलाई गई नीति बदखलाल बदभाव की नीति थी, 2000 का नया मेरा भाई कोई मौजूद होगा हरियाणा से मेवात से तो उसको पता होगा कि बदखलाल बदभाव की नीति माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा चलाई गई थी। पर उस दौरान मुझे नौकरी नहीं दी गई क्योंकि मेरे साथ भी मतभेद हो गया था कि मैं एक मुसलमान की बेटी हूँ। तो मेरे भाइयों और माताओं और बहनों, यहाँ बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, आप सब एक हैं और हम सब एक हैं। मेरे बड़े भाई बिलाल को जिताइए और इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। बाहरी लोगों को वोट मत करना, बाहरी लोगों को वोट मत करना, चाहे वो झाड़ू वाला हो, चाहे वो हाथी हो और चाहे वो फूल हो, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में खिल रहा है और लोग उसको देख नहीं पा रहे कि वो खिल तो कीचड़ के नीचे रहा है। मेरे भाइयों, तो वो चीज देखिए और बड़े भाई बिलाल को एक बार मौका देके देखिए। मेरे बहुत सारे मेवाती भाई मेरे सामने शायद मौजूद हैं। मैं बड़े भाई से कहना चाहूँ, मेरे भाइयों, मेरे भाई बिलाल को वोट करियो सारे मेवाती मिल के और एक बार आप जरूर मौका दियो। बोलो मेरी बात, आप भाई वोट करोगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला जा चुका है। अब देश में सिर्फ एक ही चीज है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बोलो सारे मिलकर, लड़की हूँ लड़की हूँ लड़की हूँ। कांग्रेस पार्टी भाई बिलाल अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।